श्रेयस ने बाहर जूते रखा था और इसके जूते गायब हो गए। श्रेयस के जूते गायब हो गए, बेचारा टेंशन में आ गया। जब टीटी वाले भी आए तो इनको कुछ नहीं बोले, हम लोगों को बोले कि कहीं और जाके बैठ जाओ जनरल डब्बे में, इनका तो सही है। कैसे हो सब, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो जो राउंड है वो स्टार्ट होगा लगभग और आधे घंटे बाद। मैं उठा नहाया तो नहीं, खाली हाथ मुँह वगैरह धो लिया और यहाँ पे गार्डन में हम लोग आ गए, पास ही में था। यहाँ पे चिप्स वगैरह खाए, चाय वाय पिए और अभी हम लोग पहला राउंड खेलेंगे। और कल की मैं आपको स्कोर बता दूं, कल 5 मैच थे जिसमें से श्रेयस 3 जीता और मैं भी 3 जीता हूँ। आज 4 मैचेस हैं और अब देखते हैं, 4 मैच अगर हमारे आज के अच्छे निकल जाते हैं तो शायद कुछ हमारा रैंक वैंक लग सकता है। ये है हमारा टूर्नामेंट हॉल और अभी बस 2 मैचेस बचे। ये भी अच्छे मैच खेल रहा है, मैं भी बस 2 मैच खेलेंगे उसके बाद अपन घर निकलेंगे। टूर्नामेंट जो है ख़त्म हो गया और टोटल 9 मैचेस हमने खेले, मैं 5 मैच जीता और ये भी 5 मैच। और अभी वहाँ पे जो है सारे में नहीं बोलते ना उसको क्या बोलते हैं वो प्राइस, हाँ तो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होने वाला था, बट क्या है कि अगर हम लोग वहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रुकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि हमारी 8 बजे की ट्रेन है। अभी यहाँ से अपन को बस पकड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा भोपाल के स्टेशन में, और बीच में अपन जो है थोड़े बहुत बढ़िया बढ़िया सीन आपको दिखाने वाले, जो कि आप ही क्या कहते हैं उसको, वैल्यूबल प्लेस, फेमस प्लेसेस अगर मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे। और आज का जो व्लॉग है अभी तक अपलोड ही नहीं हो पाया है, लगभग 3 बज रहा है, पता नहीं शायद आज का जो व्लॉग है वो 9-10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। अभी हम लोग पहुंच चुके भोपाल में, अभी गुपचुप खाते, भूख लगी है बहुत जोर के। हम लोग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है, और जो ट्रेन है वो है 8 बजे की और अभी जो है लगभग बज रहा है 5:30, मतलब 2.5 से 3 घंटा बचा हुआ हमारी ट्रेन आने के लिए। अब बस ये पे टाइम पास करेंगे या तो फिर बाहर जाके घूमेंगे। और जो आज का व्लॉग है वो मैंने अभी अपलोड पे लगाया, वो भी मोबाइल डाटा से, तो मतलब उसको भी 1.5 से 2 घंटा लगेगा व्लॉग अपलोड होने को। ट्रेन को आने के लिए तो बहुत टाइम था, तो अभी हम लोग सिटी में घूमने के लिए निकल चुके हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि ट्रेन का तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ और सिटी तो फिलहाल अच्छी दिख रही है। गोंदिया में तो मैंने बहुत आमलेट खाया हूँ, अभी अपन ट्राई करते भोपाल का आमलेट। ये है भोपाल का मेन हाईवे, हाईवे नहीं बोलेगे इसको, मार्केट बोलेंगे। और यहाँ का फेमस मंदिर है काली मंदिर, और अच्छा लग रहा है वैसे ऊंचा ऊंचा। आप चलते पास में और देखते कैसा है। ये है काली मंदिर और ये है बाजू में ही नदी, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं लेकिन खाली सुबह, रात के समय बंद है यहाँ पे। श्रेयस ने बाहर जूते रखा था और इसके जूते गायब हो गए। श्रेयस के जूते गायब हो गए, बेचारा टेंशन में आ गया। अबे तू मत तो बना रहे। नहीं अबे नहीं लिया तेरे जूते। श्रेयस कैसा, तेरे जूते गायब हो गए। नहीं लिया भाई, मैं शॉक्ड हूं एकदम, मैं मूवीज में सुना था ऐसे की। ओ भाई जूते गायब हो गए। लेके जाते क्या लेके हो जाते देख। श्रेयस अबे मैं तेरे जूते गए, देखो स्लीपर लेना पड़ेगा। तेरी किसी और ने लेके गया, तू किसी और के पहन ले जा, पहन ले। बेचारे श्रेयस की चप्पल चोरी हो गई, टेंशन में आ गया। नहीं जूता चोरी हो गया, और देखो ये शायद ना मेन रोड है यहाँ की। श्रेयस की चप्पल चोरी हो गई तो यहाँ पे जो हम लोग अभी इसके लिए नई चप्पल लेने वाली है। भैया सबसे सस्ते दिखाओ इसके लिए।
हम लोगों ने टिकट निकाली थी लेकिन वो वेटिंग में रह गई थी, 15-16 वेटिंग में थी और हम लोग ट्रेन में बैठ गए और अभी देखो हम लोग कैसे बैठे हैं। वो बिल्कुल दरवाजे के पास यार, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। टिकट मैंने ऑलरेडी निकाला था, पता मेरी जो है 11 वेटिंग में फंस गई और तेरी 16 पे फंस गई, क्यों? और हम लोग यहाँ पे देखो ऐसे गरीबों जैसे बैठे हुए हैं, अब क्या ही कर सकते। और हमको टीटी वाले भी आने पकड़ दिए, बोले यहाँ पे मत बैठो, बोले आगे जाओ। तो अच्छा भी थोड़े अच्छे से बोले कि यहाँ पे उठो, जनरल डब्बे में देखो, अगर दूसरी बार मैंने तुमको देखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, आगे स्टेशन आएगा तो जनरल डब्बे में जाके बैठेंगे। जब टीटी वाले भी आए तो इनको कुछ नहीं बोले, हम लोगों को बोले कि कहीं और जाके बैठ जाओ जनरल डब्बे में, इनका तो सही है। अभी हम लोग जो है स्लीपर डब्बे से निकल करके यहाँ पे आ चुके हैं जनरल डब्बे में और यहाँ पे देखो सब लोग कैसे बैठे हुए हैं। और बस अभी जो हमारा अगला स्टेशन है वो आने वाला है नागपुर में, तो अभी लगभग जो ट्रेन है 4 घंटा कंटिन्यू चलने वाली है और मोबाइल में जो है बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, आई गेस 11% और शायद मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी के साथ जो है इस व्लॉग को अपन यही पेंड करते हैं, आई होप आपको मज़ा होगा, अगर आपको मज़ा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।